कृषि विज्ञान केंद्र मथुरा द्वारा बुधवार को किसान महिला किसान प्रदर्शनी एवं गोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें मुख्य अतिथि मथुरा की सांसद एवं सीने तारिका हेमा मालिनी होंगी, जबकि वरिष्ठ अतिथि गोवर्धन क्षेत्र के विधायक ठाकुर करण सिंह होंगे, जबकि कार्यक्रम की अध्यक्षता पंडित दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी के कुलपति KML पाठक करेंगे। इस संबंध में जानकारी देते हुए कृषि विज्ञान केंद्र मथुरा के वैज्ञानिक डॉक्टर SK मिश्रा ने बताया कि फसल अवशेष प्रबंधन के ऊपर यह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिसमें किसानों को पराली जलाने का नुकसान व फायदे बताए जाएंगे। इसमें गोवर्धन क्षेत्र के किसान भारी संख्या में भाग लेंगे। कल कृषि विज्ञान केंद्र मथुरा के द्वारा पेठा गांव जो गोवर्धन विकास खंड में पड़ता है 100 रोड पर, उसमें एक बहुत ही बड़ा किसान मेला कृषि प्रदर्शनी और गोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है कृषि विज्ञान केंद्र के द्वारा, जिसमें चूँकि हमारे जनपद में करीब 40-45 हज़ार हेक्टर में धान होता है और गोवर्धन आपका नंदगांव वर्षाना कोसी चौमा इन विकास खंडों में जो धान होता है उसकी पराली किसान जलाते हैं, जिसको गांव में हम लोग पाल बोलते हैं हमारे ब्रज क्षेत्र में। तो किसान पराली न जलाएं और इसका प्रबंधन करें, जमीन में मिलाएं, इसको काट करके सड़ा करके हैवी सीडर के द्वारा मोल्ड बोल्ड प्लाऊ द्वारा मशीनों द्वारा चॉपर के द्वारा, इसके विषय में एक हम मेला आयोजित कर रहे हैं केंद्र के द्वारा, जिसमें कार्यक्रम की जो मुख्य अतिथि हैं और जो कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगी हमारी माननीय संसद श्रीमानी जी के द्वारा उद्घाटन किया जाएगा। उसमें माननीय कारिंदा सिंह हमारे विधायक ब्रज क्षेत्र के हैं, कुलपति दुबासु के अध्यक्षता करेंगे और जनपद के जो किसान मोर्चे के लोग हैं, अधिकारी हैं और जनपद के अधिकारी हैं, सब लोग वहाँ पधार रहे हैं। वहाँ किसानों के प्रदर्शन के लिए स्टॉल लगाई जा रही हैं, जिसमें किसानों को अपने अपने विभाग की लोग तकनीकी जानकारी देंगे, जैसे गन्ना विभाग है, कृषि है, पशुपालन है, उद्यान है, फिशरीज है और हमारा कृषि विज्ञान केंद्र है, वेटनरी कॉलेज की स्टॉल है यूनिवर्सिटी की, ये सारी स्टॉल लगाएंगे और स्टॉल के माध्यम से किसानों को हम ये बताएंगे कि हमारे विभाग की क्या तकनीकी हैं, क्या योजनाएं हैं, किसान उनका कैसे लाभ उठाएं, और इसके साथ साथ गोष्ठी के माध्यम से हम किसानों को ये जानकारी देंगे कि इस समय जो हमारी फसल खड़ी हुई है, सरसों पक रही है, कटने की अवस्था पे है, गेहूं में सिंचाई प्रबंधन चल रहा है, आलू खुदने की अवस्था में है, तो इसमें हम क्या क्या कर सकते हैं, और जो हमारी जायद की आगे आने वाली फसल है जैसे में मूंग है, उड़द है, आपका चारा है, ये फसलें जो हैं और या सब्जियों वाली फसलें हैं, इनके विषय में हम किसानों को जानकारी देंगे कि आप इस खेतों का जो खाली खेत और उनका कैसे सदुपयोग करें। और मेले में जो आसपास से करीब 1000 आदमी के आने की उम्मीद है, बहुत ब्रज क्षेत्र में हमने पब्लिसिटी भी कराई है पेपर के माध्यम से, आप लोगों के चैनल के माध्यम से, तो कुल मिलाकर के हम शासन की जो योजनाएं हैं भारत सरकार की, प्रदेश सरकार की, उनके बारे में जानकारी देंगे और किसानों को जो नवीन तकनीकी है उसके बारे में जानकारी देंगे और माननीय संसद महोदय श्रीमती हेमा मालिनी जी हमारी जो शासन की योजनाएं उसके विषय में सीधे जनता से संवाद करेंगी। इसमें भारी संख्या में महिलाएं कृषक और सभी क्षेत्रवासी भाग ले रहे हैं। अगर कोई पराली जलाता है तो किस तरह की कार्रवाई की जाएगी? देखिए, इसमें कानून बना हुआ है कि इसमें जुर्माने का प्रावधान है और सजा का भी प्रावधान है, लेकिन भारत सरकार ये मानती है, हम लोग सब ये महसूस करते हैं कि किसी चीज़ का निदान किसान को पकड़ करके उसको बंद करना, उस पर जुर्माना लगाना, ये बहुत ज़्यादा कारगर तरीका नहीं है। सबसे अच्छा तरीका है किसान की मानसिकता को बदलें, उसको ये बताएं कि धान की जो पराली है उसमें एक हेक्टेयर में करीब 33-30 किलो नाइट्रोजन मिलती है, 19-20 किलोग्राम फास्फोरस मिलता है और 150 किलोग्राम करीब पोटास मिलती है, सल्फर मिलता है, और ये हम जला देते हैं, ये सोना है, इसको हम न जलाएं, खेत में मिलाएं। किसान के साथ दिक्कत आती, किसान ये चाहता है कि जिस समय हम खेत हमारा पक रहा है और हम काट रहे हैं तो उसके सामने एक मजबूरी है, जो मैं आज आपके चैनल के माध्यम से बता, जो किसान अपनी समस्याओं को मेरे सामने रखते हैं एज ए वैज्ञानिक होने होंगे नाते कि डॉक्टर साहब मुझे ये बताइए मैं करूं क्या, अगर मैं आग लगाता हूं तो मेरे पास कोई साधन नहीं है, तो इसीलिए बहुत सारी मशीनें हम लोगों ने मंगाई अपने सेंटर पर, करीब 8-10 लाख की मशीनें हमारे यहाँ आ गई हैं और उन मशीनों से हम प्रबंध करेंगे। तो अगर किसानों को हम अगली साल हम प्रदर्शन कराने जा रहे हैं उसमें किसानों का कुछ नहीं लगेगा, हम मशीन के द्वारा सीधे खेत में सीधी बुवाई कराएंगे, हैप्पी सीडर से चॉपर से काट के हम बुवाई कराएंगे, तो अगर किसान को ये सब चीज़ें मिल जाएंगी
तो मैं समझता हूं कि हमको किसान को जुर्माना और जेल और ये सब की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम मशीनों के द्वारा प्रबंधन करेंगे और जमीन की उर्वरा शक्ति को बढ़ाएंगे, पर्यावरण को बचाएंगे। आप देख रहे हैं पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है, एनजीटी लगातार प्रेशर डाल रही है हमारे मथुरा में अधिकारियों पर, वैज्ञानिकों पर, भारत सरकार भी ये चाहती है। तो हम प्रदूषण को बचाते हुए वायुमंडल को स्वच्छ रखेंगे, जमीन को स्वच्छ रखेंगे और जमीन की उर्वरा शक्ति बढ़ाने के लिए पराली को जमीन में मिलाएंगे। ये सब चीजें हम किसान को अगर बताएंगे प्यार से, उसको तकनीकी रूप से, तो मैं समझता हूं कि फिर जुर्माना लगाने की या उसको हमें धमकाने की प्रशासन को जरूरत नहीं पड़ेगी। मानसिकता बदलने का मेरा उद्देश्य है, किसान की हम मानसिकता बदलें, उसके दिमाग में चीज हम भरें कि ये चीज हम गलत कर रहे हैं और इसको हम आसानी से प्रबंधन कर सकते हैं।